हाँ भाई, अगर जिंदगी में तेरे को कुछ बड़ा करना है ना, तो ठीक 9:30 बजे वहीं पहुंच जाइयो जहाँ मैंने एड्रेस दिया था। ठीक है? हाँ, बात को सुन ले मेरे ध्यान से। ठीक 9:30 बजे अगर कुछ करना चाहता है तो जिंदगी में, तेरे लिए बहुत मुश्किल से पास अरेंज किया है मैंने, तो कल ठीक 9:30 बजे वहाँ पहुँच जाइयो। ठीक है? चल ठीक है, अब मुझे पब्लिक आ गई, उनके लिए वीडियो बनानी है। चल ठीक। कल 9:30 बजे यहां पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल 9:30 बजे यहां पे पहुंच जाना। बड़ी मुश्किल से मैंने तेरे लिए एक पास अरेंज किया है। तो ये तो ठीक 9:30 बजे पहुंच जाएगा जहां मैंने इसको एड्रेस दिया है, लेकिन आप जो इस वीडियो में देखने आए हो, जैसे कि ये पीछे मेरे टेक्स्ट आ रहे हैं, तो इस इफेक्ट को बनाना मैं आपको सिखाऊंगा आज डाविंची रिजोल्व को यूज करके। तो आइए चलते हैं वीडियो में और बताते हैं कि इस टेक्स्ट को कैसे करें अपने पीछे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ। इस वीडियो में मैं डाविंची रिजोल्व यूज कर रहा हूँ, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें यूज कर सकते हैं, अलग अलग टूल होते हैं, तो मैं सिर्फ डाविंची रिजोल्व के बारे में ही बताऊंगा। और तो करते हैं शुरू, और कुछ नहीं तो आइए चलते हैं फिर स्क्रीन पर। तो मैं अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक क्लिप इंपोर्ट कर रखी है, जो कि आपने वीडियो में शुरू में देखी है, वही क्लिप है ये। तो अब हम इसको एडिट करेंगे। अब इसके पीछे हम टेक्स्ट लिखेंगे, यानी कि मेरे पीछे टेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, तो उसी इफेक्ट को हम यहाँ पे करेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेना है आपको, आल्ट प्रेस करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक, डुप्लीकेट करके आपको आ जाना है सीधा कलर टैब में। कलर टैब में फिर आपको इंश्योर करना है टाइम लाइन पर क्लिक करके, जो हमारी क्लिप थी ऊपर वाली वही सिलेक्ट है या कोई और सी, तो हमेशा ही आपको ऊपर वाली क्लिप जो डुप्लीकेट करी वही सिलेक्ट करनी है। ठीक, जब और एक चीज़ और, जब आप ओपन करेंगे तो आपको सिर्फ एक ये नोट दिखेगी, तो इसमें क्या करना है, आप इस पर राइट क्लिक करना और यहाँ पे जाना ऐड नोड और ऐड सीरियल नोड, तो यहाँ पे दूसरी नोड आ जाएगी आपको। ठीक, तो उस पर एडिट करना, ताकि आपके अगर कुछ बेकार हो जाए तो इस पर द्वारा जो आपकी वीडियो वो वेस्ट ना हो, दोबारा इम्पोर्ट करनी ना पड़े। ठीक है, तो इस पर आप कुछ भी करें, अगर ये बेकार होते तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट बटन दबाकर। तो आइए इसको एडिट करते हैं। डुप्लीकेट कर लिया मैंने, सिलेक्ट कर लिया ऊपर वाली लेयर को, अब उस टाइमलाइन को बंद कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। तो सबसे पहले देखो, ये टूल है हमारा क्वालिफायर, इस पर क्लिक करना है, और जो हमारा बैकग्राउंड है वाइट कोई सा भी, इस पर हमें थोड़ा थोड़ा फेर देना है। ठीक, अभी कुछ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ये हमारा हाईलाइट एक टूल है, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो थोड़ा बहुत दिखा। अब यहाँ पे हमें ये जो ये मैट फिनिश जो फिनिश जो लिखा है इसको छेड़ना है, और जो हमारा ब्लैक है इसको और डार्क करना है हमें, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। देखो, तो चलो हम अपने को वाइट करते हैं अच्छे से, ये जो हमारे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वाइट, इनको सबको हमें ब्लैक करना है। तो थोड़ी सेटिंग छेड़ते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं कौन सा, देखो ये इससे तो हट गया, तो इसको हम इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं, क्लीन ब्लैक, ब्लैक जो है थोड़ा क्लीन हो जाएगा, हम ज़्यादा नहीं करते, क्लीन वाइट, जो हमारा वाइट एरिया है वाइट पोर्शन थोड़ा और क्लीन हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे थोड़ा और क्लीन हो गया है। ठीक, ये हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हम नहीं करेंगे, तो जब भी ठीक है थोड़ा सा। ठीक है, और ये बैक क्लिप, बस और ज़्यादा कुछ ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पे हो गया ये। ठीक, इतना काम करना है आपको। अब उसके बाद क्या करना है, अभी कुछ नहीं है, इस ऑप्शन को हम बंद कर देते हैं अब। ठीक, अब आ जाना है हमें इस वाले नोड वाले एरिया में, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ऐड अल्फ़ा आउटपुट, अब ब्लू डॉट को ब्लू डॉट से मैच कर देना है। ठीक, फिर आ जाना है हमें अपने एडिट टैब में, अब हमें जाना है इफेक्ट में, यहाँ से लेना है हमें टेक्स्ट ले लेते हैं। अब अपने वोकल यानी अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग, ये देखो आप देख रहे हो थोड़ा पीछे आ गया ये चीज़, तो अब इसमें हम थोड़ा टेक्स्ट डालते हैं अपने हिसाब से। ठीक, सुन लेते हैं ये क्या कह रहा है पहले। हाँ भाई, अगर जिंदगी में तेरे को कुछ बड़ा करना है ना, तो ठीक 9:30 बजे वहीं पहुँच जाइए। 9:30 बजे, ठीक है, तो इसने पहले हम कुछ अच्छे अच्छे वर्ड ले लेते हैं, ताकि अच्छा सा अट्रैक्टिव सा लगे, थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले एक बड़ा वर्ड आया यहाँ पे, जिंदगी, तो जिंदगी यहाँ पे लिख लेते हैं हम टेक्स्ट में। ठीक है, क्लिक किया तो ZINDAGI, जिंदगी, यहाँ पे आप अपना फ़ॉन्ट चूज कर लेते हैं, कोई भी आपका फेवरेट फ़ॉन्ट हो या देखने में जो भी अच्छा लगे वो कर लो। तो मैंने एक नया इंस्टॉल किया था फ़ॉन्ट, इसमें केस है, वो नाम मुझे याद नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सी रहा। ठीक,
कैवोन, कैवोन कर लेते हैं। अभी ज़्यादा दिख नहीं रहा तो इसका हम साइज इंक्रीज कर देते हैं, ठीक। ये हो गया साइज इंक्रीज। और यहाँ पे मेरा फेवरेट कलर पीनट येलो बोलते हैं, पीनट कलर बोलते हैं इसको। ये अब इसकी थोड़ी हम स्ट्रोक वगैरह कर देते हैं यहाँ पे, स्ट्रोक यानी जो आउटलाइन होती है, ठीक। तीन कर देते हैं या चार, चार ठीक है। थोड़ा सा ड्रॉप शैडो, थोड़ी बहुत परछाई जा जाती है पीछे, ठीक। ये हो गई ड्रॉप शैडो, ये ठीक है, ठीक है। हाँ अब हम इस पर थोड़ा कट लगाते हैं, वही वॉल्यूम का जो ग्राफ है उसको जूम करके कहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है। हाँ भाई, अगर जिंदगी, जिंदगी तो देखो जिंदगी यहाँ पर आ रहा है, जिंदगी यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक टाइमलाइन यूज़ कर लेंगे, स्नैपिंग टूल को ऑन कर देंगे और वर्ड के अकॉर्डिंग अपने जो टेक्स्ट की लेयर है उसको लगाते जाइए बीच में, कुछ नहीं है। देखो देखो यहाँ आगे जिंदगी, तो जिंदगी हम यहाँ तक रहने देते हैं, इसको मार देते हैं कंट्रोल बी कट। अब 9:30 पर हम एक टेक्स्ट लगाएंगे, बड़ा करना है ना तो ठीक 9:30 बजे, यहाँ पर 9:30 बजे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे स्लाइड कर देंगे, फिर जाएंगे टेक्स्ट में, यहाँ लिख देंगे 9:30, ठीक है। ये 9:30 हो गया, अब ये ज़्यादा दिख नहीं रहा हमें, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देंगे और फिर थोड़ी सी पोजिशन ऊपर कर देंगे इसकी 9:30 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक 9:30 बजे वहीं पहुँच गई था, ठीक है। अब इसको हम फिर हटा देते हैं, मैंने एड्रेस दिया था, ठीक है। हाँ बात को सुन ले मेरे ध्यान से, ठीक 9:30 बजे दोबारा यहाँ पे, तो हम दोबारा यहाँ पे एक टैक्स लगा देंगे ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव सा दिखे हमें जो वर्ड्स हैं मेन मेन इस वाली लाइन के, कॉमेडी वाली लाइन के। हाँ भाई, अगर जिंदगी में तेरे को कुछ बड़ा करना है ना तो ठीक 9:30 बजे वहीं पहुँच गई था, मैंने एड्रेस दिया था, ठीक है। हाँ बात को सुन ले मेरे ध्यान से, ठीक 9:30 बजे अगर कुछ करना चाहता है तो जिंदगी में, तेरे लिए बहुत मुश्किल से पास अरेंज किया है मैंने। तो कुछ इस तरह से क्वालिफायर टूल को यूज करके कलर टाइम में जाना है आपको, क्वालिफायर टूल यूज करना है। तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ओल्ड प्रेस करके डुप्लीकेट लेयर बना देनी है, फिर आ जाना है आपको कलर टैब में। कलर टैब में आपको मेक श्योर करना है कि सिलेक्टेड जो हमारी लेयर थी वही सिलेक्ट होनी है, ठीक है। वो ज़रूर देखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही सिलेक्ट करना ऊपर वाली लेयर को, फिर इसको बंद कर देना। फिर क्वालिफायर टूल को लेंगे, फिर जो वॉल है उस पर हम थोड़ा सा फेर देंगे क्वालिफायर टूल को, ठीक। फिर ये हाईलाइट टूल पर हम क्लिक करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कौन सा एरिया सिलेक्टेड है, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा या फिर इन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम थोड़ी सेटिंग चेंज करके और ब्लैक को ब्लैक बना सकते हैं और वाइट को वाइट कर सकते हैं, ठीक, ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए हमारा जो। उसके बाद जब ये हो जाए तो यहाँ से राइट क्लिक करना है, ऐड अल्फा आउटपुट, ब्लू को ब्लू से मैच कर देना है, फिर ये ऑप्शन बंद कर देना है आपको। फिर दोबारा एडिट टैब में आ जाना है, यहाँ से टेक्स्ट लेना है आपको, टेक्स्ट लिख देना है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेरा नाम जैसे मनीष है तो मैं मनीष लिख देता हूँ। आपको कोई भी फ़ॉन्ट ले लेना है तो मैं ले लेता हूँ एक पैशनेट वन करके फ़ॉन्ट है, वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, रेगुलर बोल्ड ब्लैक तीनों में आता है, तो मैं बोल्ड ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेरा फेवरेट कलर ये है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब थोड़ा सा इसको हम ऊपर नीचे अलाइन कर देंगे अपने हिसाब से, इसको थोड़ा सा स्ट्रोक दे देंगे 3 या 4 नंबर, ठीक। थोड़ा सा इसमें ड्रॉप शैडो डाल देंगे, अपने हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक। तो बस इसी तरीके से आप कर सकते हैं टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट या अपने पीछे टेक्स्ट को लाना। सबसे इजी तरीका है आप जो टेक्स्ट बिहाइंड करने का डाविंची रिजोल्व में, और सबसे बढ़िया तरीका यही है। तो अगर आप डाविंची रिजोल्व यूज़ कर रहे हैं तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, एक बार में नहीं होगा तो दूसरी बार ट्राई करें, लेकिन होगा ज़रूर एक बार, जब आप कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर पसंद आई हो वीडियो और 1% भी आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब के लिए, आज मेरा मन कर गया तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने ना यहाँ पे थोड़ा ब्लैक पहना हुआ है ताकि जो फोरग्राउंड में थोड़ा डार्क आ जाए और बैकग्राउंड में थोड़ा लाइट आ जाए,
तो उसे सेपरेट करने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी वैसे, तो अच्छे से यहाँ पे क्या इफेक्ट बन पाएगा। तो अगर आप कुछ ऐसा शूट कर रहे हैं तो आप थोड़ा डार्क की तरफ प्रेफर करें ताकि जो इफेक्ट है अच्छे से हो जाए। और पीछे दो चार वीडियो आए हुए हैं इफेक्ट से रिलेटेड, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने ये इफेक्ट ट्राई किया या नहीं। अगर किया है तो पहली बार में हो गया या फिर दो तीन बार ट्राई करने के बाद हुआ बिल्कुल स्मूथ, तो बताना जरूर कमेंट में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही वीडियो के साथ मिलते हैं फिर।